हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास सेकेंड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स पार्ट 13 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 एडिशन। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 13। ठीक है, अब क्या है, फाइंड द सम। सम तो आपको आते हैं, सम मीन्स एडिशन। एडिशन तो आपको अच्छे से करना आते हैं, सभी लोगों को आते होंगे आई थिंक, है ना। और विदाउट कैरी वाले सम है, आप आराम से कर पाएंगे। अपने नोट्स खोल के देखेंगे, सारे सम लगा लीजिए उनको रफ नोटबुक में, है ना। आप कीजिए 2 और 5 कितना हुआ, फिंगर काउंटिंग भी आप कर सकते हैं आराम से। 2 और 5 कितना होता है, 5 मारे हमारे फर्स्ट एंड में 5 है और 2 मुझे ऐड करने, 5, 6 और 7 7 हो गया। अगर मुझे 6 और 3 ऐड करना है तो 6 मेरा एक हैंड में है और 3 मेरा ये है। 6 के बाद 7, 8, 9 9 हो गया। फिर मेरा 5 और 4, मेरा 5 ये है, 5 मेरे इस हाथ में है, 4 मेरे ये है। 5, 6, 7, 8, 9 विदाउट कैरी वाले सम थे, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई सम ऐसे एडिशन वाले आप टफ नहीं है जो आप ना कर पाए, है ना। इससे बड़े डिजिट के तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं और मैंने आपको दिए भी हैं करने के लिए। चलिए अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। हम मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखी है, हम उसे सॉल्व करेंगे। पहले सबसे रीड करेंगे। डॉली, डॉली राइट, यानी डॉली लिखती है, राइट मीन्स लिखना। डॉली लिखती है 243 words, यानी कि 243 वर्ड्स यानी शब्द लिखती है पहली बार में। एंड देन अनादर, देन मीन्स फिर, अनादर मीन्स अन्य, फिर दूसरी बार में, जब अन्य मीन्स दूसरी बार, दूसरी बार में उसने कितने वर्ड्स लिखे, 356 यानी 356 वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स शब्द। फिर उसने 356 वर्ड यानी शब्द उसने फिर दूसरी बार में लिखे। अब आपको बताना है हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, कितनी, तो कितने शब्द डज शी, अब उसने कितने वर्ड जो शब्द थे, शी राइट ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ, उसने एक साथ कितने शब्द लिख लिए पहली बार में और दूसरी बार में, दोनों को मिलाकर उसने कितने वर्ड्स लिख लिए। हम सॉल्यूशन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन करने सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें सॉल्व लिखना होता है, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स हल करना। हम इस सॉल्व इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, क्या किया था डॉली ने, राइट किया था, डॉली राइट्स, डॉली ने क्या राइट्स किए थे, कितने वर्ड्स राइट किए थे, 243 words उसने इतने वर्ड्स राइट किए थे, यस। फिर देन अनादर, दूसरी लाइन में सेकेंड लाइन में लिखेंगे देन अनादर, कितने वर्ड्स राइट किए थे उसने, 356। एक के नीचे एक आना चाहिए, डिजिट हमेशा एक के नीचे एक आना चाहिए। ये लैंग्वेज आपके ऊपर नीचे चल जाएगी आगे पीछे, लेकिन आपकी डिजिट हमेशा एक के नीचे एक आने चाहिए। तो मैंने ये क्या किया, लिख लिए इतने वर्ड्स लिख लिए। अब हमने जब इसको लिखा और फिर लाइन लगा के क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करना तो आपको अच्छे से आता है, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 4 और 5, 9 और 2 और 3, 5। तो ये क्या हो गए आपके टोटल वर्ड्स, क्या हो गए टोटल वर्ड्स राइट, टोटल लिखे गए शब्द, टोटल कुल कितने शब्द लिख लिए उसने, 599। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर भी हमको मेंशन करना होगा, आंसर मेंशन करना होगा। नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे देख पा रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे हम आंसर, ANS आंसर, आंसर लिखेंगे डॉली राइट्स, डॉली राइट्स 599 वर्ड्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। कहीं दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं रीड कर रही हूँ बराबर से, वो आप देख पाते हैं, है ना। ऑल टुगेदर यानी कि डॉली ने लिखे थे 599 वर्ड्स एक साथ, ऑल टुगेदर मीन एक साथ। तो
तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके नोट्स में और एग्जांपल दिए हों और संदेह हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, मैम आपको जो संदेह उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें विथ लैंग्वेज। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अभी थैंक यू।